मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम चॉइस में आपका स्वागत है। ठीक है भाई, कल हमने जिस टाइप के क्वेश्चन करा रहे थे उससे आगे चलते हैं। ठीक है भाई, देखो कल मैंने इसी टाइप का कराया था, उसी क्वेश्चन को एक बार और लेके आता हूँ। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 14.2% खर्च करता है तथा 1200 रुपए मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च ज्ञात करो। मासिक खर्च बताना है। ठीक है, पहले ये देखो कि 14.2% कितना होता है, 1/7 ये बताया था। ठीक है, आय का और से ये कौन सा आएगा, नीचे, तो ये वही आय। ठीक है, आय का इतना खर्च करता है, खर्च कितना किया, ऊपर वाला, ये हो गया खर्च। ठीक, बचत दे रखी 1200 रुपए। ठीक है, बचत 1200, तो उसकी बचत यहाँ पे कितनी हुई ये बताओ। बचत हुई इसकी 7 में से 1 गया तो कितने बचे, 6, ये हो गई बचत। बचत आ गई, देखो 6 बराबर कितना दे रखा उसने, 1200, 1 बराबर 200। पूछा क्या है, मासिक खर्च क्या करो, खर्च कितना है, 1 1 बराबर 2 हो गया। ठीक है भाई, आगे समझ में। चलो देखो भाई, अब उससे आगे चलते हैं। आगे सवाल है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 16.2% खर्च करता है तथा 2000 रुपए मासिक बचत करता है। मासिक बचत दे रखी है, पूछा गया है तो उसका वार्षिक आय ज्ञात करो। वार्षिक आय बतानी है हमें, पहले मासिक पूछता था कि मासिक बचत कितनी है, अब वार्षिक, तो 16.2% कितना हुआ, 1/6 मासिक आय का, तो आय नीचे आएगी, ये आय हो गई, खर्च करता है 6 में से 1, ये खर्च हो गया। बचत कितनी बची, 6 में से 1 खर्च कर दिया, बचे कितने, 5, ये दे रखा है बचत 5, लेकिन यहां पर कितने बचा रहा है, 2000 रुपए, तो 1 बराबर 5 बराबर 2000, 1 बराबर कितने आ गए, 400 रुपए, 400 रुपए खर्च करता है, 1 बराबर 400, तो उसकी आय कितनी होगी, 6 बराबर 2400 रुपए उसकी आय हो गई। ये क्या, कौन सी आय आई है, ये आई है मासिक, और उसने कौन सी पूछी है, वार्षिक आय। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, जब 12 महीने होते हैं तो इसमें 12 का कर दो मल्टीप्लाई, तो 2400 × 12, 12 से करो 2 0, 12 × 48, 12 × 2 = 24 और 4 = 28, 28,800, ये क्या आ गई इसकी, वार्षिक आय आ गई टोटल। ठीक है भाई, आ गया समझ में। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है भाई, चलो इससे आगे देखते हैं। ठीक है भाई, इससे आगे चलते हैं। ठीक है भाई, चलो देखो आगे, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 30% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट कम है, ये बताना है। तीन संख्याएं दे रखी हैं, उनमें से दो संख्या 20% और 30% अधिक है तीसरी से, तो संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट कम है। देखो दो तरीके हैं इसके, एक तो 100 मान के, एक फ्रैक्शन से, दोनों बता देता हूं।
ये पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीसरी संख्या से देखे तो मैं तीसरी संख्या को 100 मान लिया, ठीक है भाई। तो 20% अधिक तो ये कितनी हो गई 120, 30% अधिक तो ये कितनी हो गई 130, ठीक। अब आगे तो पहली संख्या दूसरी संख्या से, किससे, दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या आ जाएगी नीचे 130, कितने कम है 10 कम है, इंटू 100, 10 से 10 13 से वाला 13 से 7 है 9/13%। एक तो ये आ गया, ठीक है भाई। दूसरा देखो, दूसरा तरीका, पहली दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% अधिक, 20% कितना होता है 1/5, किससे है 5 से, मतलब ये तो तीसरी संख्या हो गई, ये अधिक है तो प्लस कितनी हो जाएगी 6, ये कौन सी संख्या हो जाएगी फर्स्ट, ये 30% है, 30% कितना होता है 3/10, अधिक तीसरी संख्या से अधिक है तो तीसरी संख्या ये हो गई 10 और 3 13, ये कौन सी संख्या हो गई सेकंड वाली, ठीक। अब देखो तीसरी संख्या यहाँ पे डबल है, ये 5 है, ये यहाँ 10 है, तो मैं इसमें 2 का गुणा कर दूं, 2 का इस जगह तो 2 का हो जाएगा इस जगह, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीसरी संख्या कितनी है 10, दूसरी संख्या कितनी है 13, पहली संख्या कितनी है 12, कितने कम है 1 कम है, कहां से 13 से, इंटू 100 कितना आ गया 9/13%, ठीक है भाई। जो अच्छा लगे वो उतार लेना, ठीक है, ठीक है भाई। इससे आगे अगला सवाल देखो, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 40% तथा 25% कम है, पहले में अधिक थी इस वाले में कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, पहले वही पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ठीक। तीसरी संख्या को मान लो 100, क्योंकि इसी से कम है, 40% कम होगी तो कितनी बची 60, दूसरी 25% कम है तो 75, ठीक। अब आगे क्या बोल रहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कम है, कितनी कम है देखो 15 कम है दूसरी संख्या से, सेट इसमें लगा है दूसरी संख्या से, ये कहां आएगा नीचे, नीचे जाएगा 75 गुणा 100, 15 से 5 बार, 5 से 20% आ गया आंसर, ठीक है भाई, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है भाई। देखो अगला सवाल, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, ये बताना है कि पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो भाई पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। देखो दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तीसरी को मान लो 100, 20% अधिक है तो 120, 50% अधिक तो 150, ठीक। पहली संख्या दूसरी संख्या का और से, ये कहां आता है नीचे, दूसरी संख्या कितनी है 150, पहली संख्या कितनी है 120, इसमें अधिक या कम नहीं दिया है, अधिक या कम कहता तो इनका अंतर देखते, लेकिन उसने ये नहीं पूछा है, तो 120 गुणा 100, 0 से 0, 5 से 3 बार,
पांच से 20 बार, तीन से 4 बार कितना आ गया 80%। ठीक है भाई, आया समझ में? ठीक है भाई, अब देखो आगे सवाल। किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 5000 है तथा लड़के 37.2% है, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। विद्यालय में टोटल संख्या दे रखी है, हमें पता है कि टोटल संख्या कितनी होती है 100%, उनमें से 37.5% लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी बची उसे घटा देंगे। 37.5% कितना होता है 3/8, मतलब टोटल विद्यार्थी कितने हैं? टोटल 8 हैं, तो इनमें से लड़के हो गए 3। लड़कियां कितनी बची? 8 में से 3 गए तो लड़की बची 5। ठीक है, लड़कियों की संख्या बतानी है तो हमें ये संख्या कितनी दे रखी है, टोटल विद्यार्थियों की दे रखी है 5000, तो टोटल कितने हैं 8, 8/5000, 1/5000/8। लड़कियों की संख्या कितनी है 5, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 5000 × 5/8, बस 25000/8, 8 से भाग लो, 8 × 3 = 24, कितने बचे 1, 8 × 1 = 8, 2, 8 × 2 = 16, कितने बचे 4, और 8 × 5 = 40, 31 से 25 लड़कियां हो गई। ठीक है भाई, अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो भाई अगला सवाल, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, यदि पहली संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है तथा दोनों संख्याओं के योग में 50% की वृद्धि की गई, तो दूसरी संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे ये देखो, 3:2 के में मतलब ये पहली संख्या होगी, ये दूसरी होगी, और दोनों को जोड़ के कितने आएगा 5, तभी तो बैठेगा अनुपात है, तो 3 × 2 = 5। ये देखो, यदि पहली संख्या में 20% की वृद्धि है तो कुछ नहीं करना है, 20 का मल्टीप्लाई कर देना तथा दोनों संख्याओं के योग में 50%, दोनों संख्याओं का योग तो इसमें 50 का गुणा कर दिया, तो दूसरी संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई ये बताना है हमें। तो ये बताओ 30 × 2 = 60, ये आ गया 50 × 5 कितना आ गया 250, ये बराबर बीच में लग रहा है, तो यहाँ पे बराबर, तो इसमें मैंने 1 का गुणा कर लिया, इतने परसेंट की हुई होगी। तो देखो 250 में से 60 के कितने बचे 2a, क्योंकि 2 का गुणा a से, तो 2a बराबर 250, बराबर से उधर जाएंगे तो कितना आएगा, इधर गया तो कितना बचा 190, तो a बराबर कितना आ गया 85% हो गया भाई। आया समझ में? ठीक है, देखो भाई अगला सवाल, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, यदि पहली संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है तथा दोनों संख्याओं के योग में 60% की वृद्धि की गई, तो दूसरी संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की, ये निकालना है। अभी मैंने पिछले सवाल में बताया सेम टू सेम वैसे ही है, वैसे ही करना है। देखो 5:3 तो योग कितना हो गया दोनों का 5 और 3 = 8, पहली संख्या में 40% तो 40 का गुणा कर दिया, योग में 60% तो 60 का गुणा, और कितने परसेंट की वृद्धि की जाए मैंने मान लिया ए, ए का मान निकालना है, तो ये कितना आ गया 200, ये 3a, ये कितना आ गया 8 × 48 480,
ठीक। अब देखो 480 टोटल, इसमें से इस वाले को घटा दो, फिर ये बराबर कितना बचा, 480 में से 200 गए तो 280 और 3 से लगा दो भाग, तो ए बराबर आ जाएगा 280 बटे 3, 3 नाम 27, 90 बार 10 बटे 3, इतने परसेंट की वृद्धि की गई। ठीक है भाई, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, देखो भाई अगला सवाल। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 रुपए है और उसका मासिक खर्च 9,000 रुपए है। अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है और खर्च 7% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो, ये निकालनी है। तो देखो मासिक वेतन मतलब आय, आय कितनी है 13,500, ठीक। खर्च ये तो हो गई आय, आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत, वही है। उसका मासिक खर्च कितना है 9,000, ठीक। अगले वर्ष तो उसकी बचत कितनी हुई ये बताओ, 13,500 में से 9,000 खर्च कर दिए तो उसके पास बचे कितने, 4,500, 4,500 बचे। अब देखो 1,020, 1,020, 2,020 इसकी बराबर कट गया। अब देखो 3 से कट जाएगा, कट जाएगा, 3×6 = 12, 3×5 = 15, 3 से 30 बार और 3 से 15 बार, 15 से फिर कट जाएगा, 15×15, 15×2 = 30 और 15×3 = 45, मतलब 3 आय 2 खर्च बचत 1, आ गया, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, देखो 14% वेतन में 14% की वृद्धि तो 14 का गुणा, खर्च में 7% की वृद्धि तो 7 का गुणा, बचत में निकालनी तो 1 का मल्टीप्लाई, 14×3 = 42, ये कितना हो गया 7×2 = 14 और ए निकालना है। तो देखो 42 में से 14 का कितना आ जाएगा, ए बराबर 42 - 14 = 28% हो गया। ठीक है भाई, आ गया समझ में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। और एक सूचना, कल से आपको सुबह वीडियो बना करेगी मेरी। ठीक है भाई, अच्छे से पढ़ो और लाइक करो, शेयर करो और सभी अपने दोस्तों के पास शेयर करो।